लोकसभा चुनावों के बाद राजस्थान का सियासी भविष्य क्या रहने वाला है, ये तो आगे अब देखना है। लेकिन चुनावों के दौरान पूरी तरह से पीछे रही पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के अचानक दिल्ली दौरों के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। क्या पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को कोई बड़ी जिम्मेदारी आगे मिलने जा रही है, या फिर राजे अपनी बेटी के लिए कोई जगह बड़े पद की तलाश कर रही है? राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बुधवार देर शाम दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है। इस मुलाकात की तस्वीरें राजे ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की है। सूत्रों के मुताबिक राजे ने संघ की कुछ पदाधिकारियों से भी मुलाकात की है। ऐसे में अब उनकी पार्टी में अचानक इस सक्रियता को लेकर राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में अटकलें लगना शुरू हो गई है। राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह राजस्थान के मौजूदा बीजेपी सांसदों में सबसे सीनियर है, लेकिन लगातार पांचवी बार चुनाव जीतने के बाद भी केंद्र में उन्हें कोई पद नहीं मिला। ऐसे में क्या अब राजस्थान के संगठन में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दिलवाने के लिए राज्य इन बैठकों के जरिए संभावनाएं तलाश रही है? अटकलें बहुत सी है, लेकिन ऐसी चर्चाएं पहले भी बहुत बार उठ चुकी है। हालांकि इस बार राजस्थान में लोकसभा चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन के बाद संगठन या सरकार में कुछ बदलाव की चर्चाएं जरूर उठी है, लेकिन जाते वक्त के साथ साथ ये भी ठंडी पड़ती नजर आ रही है। अब आगे क्या होगा, ये तो राज्य और मोदी सरकार में सस्पेंस बना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान कवरेज। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।